तो दोस्तों ये मेसी 241 ट्रैक्टर हैं DI, जिसके अंदर हम हेडलाइट लगाएंगे और इसकी रोशनी कम हो रही थी और मैंने बल्ब को चेक कर लिया था, बल्ब भी कंप्लीट निकला है, वायर का थोड़ा प्रॉब्लम थी तो वायर को भी मैंने कनेक्शन उसका सही कर दिया है। तो गाइस आज आपको मैं बताऊंगा इसके अंदर जो ये अल्टरनेटर हैं इसके पास में यहाँ पर हम कटआउट लगाएंगे। ये हेडलाइट स्विच हैं, ये स्विच हैं, हम स्विच को भी ऑन कर दिए हैं और ये अल्टरनेटर बत्ती जल रही है, हम स्विच को ऑन करने हैं। यहाँ से जो वायर जा रखा है, जो सीधा वायर ये अल्टरनेटर के यहाँ पर आ रखा है, यहाँ पर आ रखा है। तो आपको इसके अंदर एक तो येलो कलर और ग्रीन कलर का जो वायर है हमने चेक किया आगे हेड लाइट है कि वहाँ पर, जो ये दोनों ही लाइट के हैं। और ये ग्रे कलर का जो वायर देख रहे हो गाइस, ये वाला ये हॉर्न का है गाइस, और ये ब्लैक वाला है जो हमारे जो अर्थिंग का है गाइस, ये लाइट के अंदर वहाँ पर जा रखा है। और ये वाला जो ब्लैक वाला जो अर्थिंग का है, जो सेलब के यहाँ से ये वाला वायर देख रहे हो, यहाँ पर से यहाँ से इनको ग्राउंड मिला हुआ है, जो ठेठ हेड लाइट तक वहाँ पर जा रखा है। और अब हम इसके अंदर कनेक्शन यहाँ से कट करके कटआउट लगाएंगे ताकि रोशनी हमारी तेज़ हो जाए हेडलाइट की। और ये ब्लू कलर का जो वायर देख रहे हो गर्मी मीटर का है, जो पहली उस तरफ जा रखा है। तो ये ग्रीन और येलो और ब्लैक वायर को हम आपको दिखाते हैं कौन सा वायर किस में जुड़ा हुआ है। तो गाइस यहाँ पर आ रखा है, आप देख सकते हो चारों को चारों वायर इसके अंदर आ रखा है। ये वाला तो हमारा हॉर्न का है, ये वाला हॉर्न है जिसके अंदर इसका वायर आ रखा है, और दूसरा वाला जो है ओरन यहाँ पर ब्लैक वायर से ग्राउंड ले रखा है अर्थिंग वाला, और रेड और सॉरी येलो और ग्रीन वाला वायर इस हेड लाइट के कटआउट का है, मतलब हेड लाइट बल्ब का। तो अब हम इसको अंदर ये वाले वायर को काम में लेंगे, अर्थिंग वाले को अर्थिंग में रहना रहेगा और ये दोनों वायर को हम काम में लेंगे। तो कटआउट कैसे लगाते हैं आप हमारी वीडियो पर एंड तक देखें, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो गई जी ये वाला जो कटआउट हमने ले लिया है JRK, ये वाला ज़्यादातर हेडलाइट कटआउट के अंदर यही उपयोग होता है ज़्यादातर, और आप यही वाला लगाएं अगर आप लगा रहे हो तो, आपके भी अगर रोशनी कम हो रही है प्रॉब्लम करती हैं तो। और इसके अंदर सिक्स तार वाली इसके अंदर ये पिन है जिसके अंदर वायर के कोड हैं, कलर कोड जो मैं आपको बता देता हूँ, ये दोनों गाइज और ये दोनों, और ये बीच में जो है रेड और ब्लैक, ये हमारा करंट का है और ये अर्थिंग का है। और इसके अंदर जो ये ब्लू कलर का जो वायर है हमारे जो हेडलाइटों के अंदर जाएगा, जो हेडलाइट की तरफ जो वायर जा रखा है उसके अंदर जोड़ेंगे, और ये हमारा हेडलाइट स्विच आता है जो इसके अंदर हम इसको जोड़ेंगे। और सेम इसी तरीके से ये वाला लाइट का है, हेडलाइट की दूसरी लाइट में जाएगा आगे वाले में, और ये येलो कलर का जो वायर है हमारे लाइट स्विच से आएगा गाइस। तो इस तरीके से हम इसको लगाएंगे, और कैसे लगाते हैं इसके अंदर आप हमारी वीडियो पर बने रहे। और तो हमने आपको बताया था कलर कोड वो येलो और ग्रीन वाला लाइट का है गाइस, तो हम इसको यहाँ से कट लगा लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने इसको कट कर लिया है, और इसको भी कट कर लिया गाइस। तो दोस्तों अब हम कनेक्शन करके दिखाएंगे, यहाँ पर हमने कट कर दिया है। तो अब ये वाला तो हमारे लाइट स्विच का रह गया, और ये वाला हमारे हेड लाइट का रह गया उधर जा रहा जो। तो अब हम इसके अंदर लाइट स्विच का है तो हम इसके अंदर जोड़ेंगे जो येलो कलर का है, ये पतले वाले वायर में जोड़ना है, जो स्विच आ रहा है जो, तो पतले वाले वायर में जोड़ना है, इस साइड का एक वायर है। तो येलो कलर से येलो कलर को इसको मैंने जोड़ दिया है, और इस साइड का जो दो वायर हैं ये हेड लाइट का है, ये हमारे स्विच से आ रहे हैं, जो पतला वाला वायर जो हमारे स्विच के अंदर कनेक्शन करना है। तो दोस्तों इधर की साइड वाला और इधर की साइड वाला जो पतला पतला वायर है दोनों ही लाइट के स्विच के अंदर वाले में जोड़ना है, और वो ज़्यादा वाला है इस वाले वायर में जोड़ना है जो लाइट की तरफ जा रहा है वायर, ये वाला इस तरफ वाले वायर को येलो जोड़ा है, और इस तरफ भी ग्रीन के अंदर येलो जोड़ना है। तो दोस्तों इस तरीके से जो पतला वाला वायर है हमने लाइट के स्विच के अंदर जोड़ दिया है, जो जाडा वाला है तो हमने इसके इधर जोड़ दिया है। और अब बचा हमारे पास दो, जो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, इसके अंदर हम ग्राउंड देंगे ट्रैक्टर की बॉडी से कहीं भी दे देंगे। और ये वाला जो हमारा जो रेड कलर का वायर है ये करंट का है गाइस, जो हमारे अल्टरनेटर का जो वायर आता है 10 नंबर नट यहाँ पर जो
डायरेक्ट करंट आता है वहाँ से हम डायरेक्ट सप्लाई देंगे कटआउट को, ताकि हमारे लाइट के उस स्विच के ऊपर लोड ना पड़े। गाइस जो जड्डा वाला वायर का टुकड़ा है 4 mm या 6 mm का वायर का टुकड़ा इसके अंदर जोड़ना है, ताकि हमारे अल्टीनेटर का जो कनेक्शन देंगे डायरेक्ट वो वायर पर लोड ना पड़े। ये कटआउट का जो तार है ये मेन वाला जो हम इस अल्टीनेटर के यहाँ 10 नंबर नट के अंदर दे देंगे गाइस यहाँ पर, ताकि अल्टीनेटर के कटआउट को अल्टीनेटर से कटआउट को करंट डायरेक्ट मिल जाएगा गाइस, हमारे स्विच के अंदर लोड नहीं पड़ेगा और लाइटें भी तेज हो जाएगी। तो हमने इसे ब्लैक वाला अर्थिंग का है और इसके अंदर थोड़ा वायर का टुकड़ा जोड़कर लंबा कर दिया, इसके अंदर क्लिप लगा दिया ताकि बार बार हमारा कटे नहीं। और अब हम इसके अंदर कटआउट लगाएंगे और कटआउट लगाएंगे और फिर इसके अंदर लाइटें को चालू करके देखेंगे गाइस। वायरिंग देखो तो बहुत अच्छी तो ग्रेड है। तो दोस्तों हमने इसके अंदर कटआउट लगा दिया है, आप देख सकते हो हमने इसको चलाकर देखेंगे अब आगे की लाइटें चल रही है नहीं चल रही है, तो आप देख रहे हैं। चलो